अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे। फंक्शनलिज्म को मैंने इस बुक से प्रिपेयर किया है और ये फंक्शनलिज्म की आउटलाइंस हैं। हम इस आउटलाइन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आज मुकम्मल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ फंक्शनलिज्म, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे फंक्शनलिज्म को स्ट्रक्चरलिज्म के साथ, फिर एंटीसिडेंट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनलिज्म होगा जिसमें आ जाएगा एवोल्यूशन रेवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन, फ्रांसिस गाल्टन एंड एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी में हम जॉर्ज जॉन रोमेंस और सी लॉयल मॉर्गन का जो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लिखेंगे। द डिवेलपमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर और सोशल डार्विनिज्म हैं और विलियम जेम्स क्योंकि फंक्शनलिज्म के फाउंडर हैं, पाइनियर हैं फंक्शनलिज्म के, तो इनमें इनका कितना कंट्रीब्यूशन है वो लिखेंगे। एंटिसिपेशन ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी, फिर फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ इनइक्वालिटी एंड जेंडर रोल और शिकागो स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म, लास्ट पर क्रिटिसिज्म और कंट्रीब्यूशन से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। व्हाट इज़ फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म इज़ कंसर्न विद हाउ द माइंड फंक्शन और हाउ इट इज़ यूज बाई एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। फंक्शनलिज्म क्या है? फंक्शनलिज्म है कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, हमारा माइंड अपना रोल कैसे प्ले कर रहा है। स्ट्रक्चरिज्म में हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि माइंड के कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं। फंक्शनलिज्म फंक्शंस की बात करता है, ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करता है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं कि इंडिविजुअल अपने माहौल में किस तरह से रहता है, ठीक है, और उसको माहौल में रहने के लिए वो किस तरह से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका माइंड कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है और कैसे करता है। ये फंक्शनलिज्म है जो कि प्रैक्टिकल अप्रोच है और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की बात करता है। फंक्शनलिज्म के बाद हम इसमें बताएंगे डिफरेंस कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों का मकसद ह्यूमन माइंड को, कॉन्शियसनेस को स्टडी करना है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। स्ट्रक्चरलिज्म कंपोनेंट को स्टडी करता है, माइंड के कंपोनेंट्स को, जिसमें हैं लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म कंपोनेंट्स को स्टडी करता है जबकि फंक्शनलिज्म रोल को स्टडी करता है कि क्या फंक्शन है, हमारा माइंड का फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चरिज्म सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को देख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में आती हैं, माइंड में या ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। फंक्शनलिज्म कहता है कि उसका रोल क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, उसका काम क्या है। स्ट्रक्चरिज्म व्हाट थिंग इज़, स्ट्रक्चरिज्म देखता है कि क्या है, क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। जैसे अगर आप घर की बात करते हैं तो एक घर में कौन कौन सी चीज़ें, किन चीज़ों से मिलकर घर बना है, ईंटों से, पत्थर से, इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है। जबकि फंक्शनलिज्म कहता है कि व्हाट द थिंग इज़ फॉर, कि ये क्यों है, कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया है, इसका फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है व्हाट मेंटल प्रोसेसेस आर, कि मेंटल फंक्शंस कौन से हैं, मेंटल प्रोसेसेस कौन से हैं, मेंटल के एलिमेंट्स कौन से हैं, कॉन्शियसनेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। जबकि फंक्शनलिज्म कहता है कि व्हाई दे आर, वो क्यों हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर पे फोकस करता है और फंक्शनलिज्म फंक्शन पे, उसके रोल पे। स्ट्रक्चरलिज्म हाउ दे डू कि वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलकर एक चीज़ को मुकम्मल कर रहे हैं। जबकि फंक्शनलिज्म कहता है कि व्हाट दे डू, कि वो करते क्या हैं, कि कौन सा ब्रेन पार्ट या कौन सा माइंड का हिस्सा है जो हमें ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, फंक्शनिंग में हमारी हेल्प कर रहा है, किससे क्या होगा, इस तरह से। स्ट्रक्चरलिज्म सब्जेक्टिव है, इसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात की गई है कि जैसे क्या है कि हमारी अपनी इंट्रोस्पेक्शन होती है, हमारी इंटरनल परसेप्शन होती है जिसको कोई नहीं समझ सकता दूसरा शख्स। तो जबकि फंक्शनलिज्म ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस करती है, ये ऑब्जर्वेशन पे फोकस करती है कि हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म का डिफरेंस है।
तो अब हम इसमें सबसे पहले एंटीसिडेंट इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन से पहले हम बताएंगे कि एवेल्युएशन रेवेलेशन का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने एंटीसिडेंट इन्फ्लुएंस में फंक्शनलिज्म को इसीलिए हम इसमें डार्विन थ्योरी बताएंगे क्योंकि जो फंक्शनलिज्म है वो इन्फ्लुएंस्ड है डार्विन की थ्योरी से। डार्विन की थ्योरी का मेजर रोल है फंक्शनलिज्म में। तो फंक्शनलिज्म पे काम किया था विलियम जेम्स ने, और विलियम जेम्स डार्विन की थ्योरी से बहुत मुतासिर हुआ था। डार्विन की थ्योरी एवोल्यूशन पे है और एवोल्यूशन का कंसेप्ट डार्विन ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। डार्विन के ग्रैंडफादर हैं फ्रांसिस गाल्टन, उन्होंने इस पे काम किया था। ठीक है, द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन डिड नॉट बिगन विद डार्विन। बिफोर डार्विन द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन बिगन विद द ग्रैंडफादर फ्रांसिस गाल्टन। तो डार्विन ने थ्योरी दी थी और इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था उनके ग्रैंडफादर फ्रांसिस गाल्टन ने। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि वक्त के साथ साथ जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, कि ये चेंज का प्रोसेस रुकता नहीं है। सभी में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में वक्त के साथ साथ चेंजेस आएंगी, वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आएंगी उनके इमोशंस में, उनके बिहेवियर में, उनके फंक्शन में। फिर डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बुक लिखी थी, और इस बुक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की है कि किस तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। इसी में इसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी। इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को, और उसमें इसने ये कहा था कि वो इंडिविजुअल जिनमें बहुत अच्छी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें गुड ट्रेट्स होते हैं, जिनमें अच्छी खूबियां हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जिनमें अच्छी खूबियां नहीं हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। इसके बाद डार्विन ने डिसेंट ऑफ मैन, ये उसकी सेकंड बुक थी, ये लिखी थी डिसेंट ऑफ मैन, और इसमें सिमिलैरिटीज़ बताई थी कि एनिमल में और ह्यूमन में, एनिमल और ह्यूमन जानवरों में और इंसानों की मेंटल कैपेसिटीज़ कैसी हैं, उन दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे ब्रेन पार्ट्स हैं या मेंटल फंक्शंस हैं, जैसे हायर मेंटल फंक्शंस एंड लोअर मेंटल फंक्शंस, किन में इंसान अच्छे हैं और किन में जानवर अच्छे हैं, तो इन दोनों के दरमियान में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, इंटेलिजेंस का लेवल किस में कम है किस में ज़्यादा है, और उन दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ भी देखी थी। इसके बाद डार्विन ने द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन मैन एंड एनिमल, ये भी बुक लिखी थी, और इसमें इमोशनल एक्सप्रेशन की बात की थी। डिसेंट ऑफ मैन में मेंटल प्रोसेसेस की उसने बात की थी, और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन में इमोशनल एक्सप्रेशन की बात की है कि कौन से इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं जो सेम हैं ह्यूमन में भी और एनिमल में भी। डार्विन्स इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, डार्विन का साइकोलॉजी पर कितना इन्फ्लुएंस है, डार्विन की थ्योरी से साइकोलॉजी में कितनी चेंजेस आई वो देखते हैं। अ फोकस ऑन माइंड साइकोलॉजी, ठीक है, माइंड साइकोलॉजी पर फोकस किया गया था, जिसकी वजह से ये हुआ था कि कंपैरेटिव साइकोलॉजी डेवलप की गई थी। कंपैरेटिव साइकोलॉजी यहाँ पर फाइंड आउट की गई थी कि कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जैसे कि डार्विन की थ्योरी में ह्यूमन और एनिमल, उसने डिफरेंट बुक्स लिखी कि ह्यूमन में और एनिमल में उनके इमोशनल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनके मेंटल प्रोसेसेस कैसे हैं, तो इस तरह से यहाँ से एक कंपैरिजन आ रहा था कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखे जा रहे थे। तो इस तरह से एक कंपैरेटिव साइकोलॉजी की इब्तिदा हुई, और इसके अलावा इमोशन और फंक्शंस पे फोकस किया गया, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस पर। तो डार्विन की थ्योरी के बाद हम फंक्शन पे फोकस करने लग गए, हमारा सारा ध्यान रोल पे होने लग गया कि ब्रेन के और हमारी माइंड के कौन से पार्ट्स कौन सा फंक्शन प्ले करते हैं, कौन सा रोल प्ले करते हैं। अ फोकस ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो यहाँ से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी काम किया गया, जिसमें डार्विन ने जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पर की थी, तो इसीलिए इस पे भी लोगों का रुझान हुआ। एवोल्यूशनरी थ्योरी आल्सो ब्रॉट अ चेंज इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट मैटर,
साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में इस तरह से चेंजेस आई थी कि पहले साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर इमीडिएट एक्सपीरियंसेस समझे जाते थे जो कि इंट्रोस्पेक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फंक्शनलिज्म है तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी ऑब्जर्वेशन कहलाने लगा कि ऑब्जर्वेशन, और ये एक वाइड स्प्रेड एरिया बन गया था। सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी बिकेम वाइड स्प्रेड, किसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो मज़ीद वसी होता गया, कि पहले सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात की जा रही थी, इसमें बिहेवियर को देखा नहीं जा रहा था, इसमें ऑब्जर्वेशन पे कोई फोकस नहीं किया जा रहा था, वो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होते थे। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव मेजरमेंट पर भी फोकस किया जाने लग गया, तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर भी वाइड हो गया इसकी वजह से। अब हम फ्रांसिस गाल्टन का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने क्या काम किया? इस फ्रांसिस गाल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम किया था। गाल्टन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंडिविजुअल था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आईक्यू था, तकरीबन 200 आईक्यू था गाल्टन का। और गाल्टन चार्ल्स डार्विन के ग्रैंडफादर हैं गाल्टन। तो गाल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने इन एरियाज़ पे काम किया था, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स पे काम किया था। तकरीबन उस वक्त 8000 फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, 8000 फिंगरप्रिंट्स का सैंपल लिया गया था और उस पर स्टडी की गई थी और उस पर काफ़ी आर्टिकल भी पब्लिश किए गए थे। फिर जो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्यूटी पे काम हुआ, वेट लिफ्टिंग पे, अफेक्टिवनेस ऑफ प्रेयर, टेलीटाइप प्रिंटर और डिवाइस फॉर पिकिंग लॉक, इन सब चीज़ों पर गाल्टन का काम है। इसके अलावा गाल्टन का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि गाल्टन ने मेंटल इनहेरिटेंस पे काम किया था। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक वाज हेरिडिटी जीनियस, जो कि मेंटल इनहेरिटेंस पर है। हेरिडिटी जीनियस, इसमें उसने ये बताया था कि एमिनेंट मैन हैव एमिनेंट सन, कि जो जहीन आदमी हैं, जहीन लोग हैं, उनके जहीन बच्चे होते हैं। तो गाल्टन का ये कहना था कि जहीन लोगों की आपस में शादी करनी चाहिए, कि जहीन लोगों, ही सेज डैट इफ़ द पेरेंट्स वर इंटेलिजेंट देयर चिल्ड्रन वुड बी इंटेलिजेंट, कि अगर माँ बाप जहीन है तो उनके बच्चे भी जहीन होंगे। तो इसीलिए शादी रेस की बेस पर नहीं करनी चाहिए, इंटेलिजेंस की बेस पर करनी चाहिए, गाल्टन का कहना था। उसने इसलिए कहा था ताकि एक गिफ्टेड ह्यूमन रेस डिवेलप हो और माशरे में अच्छे अच्छे लोग आएँ जो हाईली क्वालिफाइड हों और हाई आई क्यू हो, जिनका जो बहुत इंटेलिजेंट हों। इसके बाद गाल्टन ने स्टैटिस्टिकल मेथड पे काम किया है, स्टैट्स और कोरिलेशन और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे काम किया, और मेंटल टेस्ट की टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई थी गाल्टन ने। अब इसमें एनिमल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। एनिमल साइकोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म। तो डार्विन की एक बुक थी जो मैं पीछे डिस्कस किया मैंने अभी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज। इस बुक को लिखने से पहले उस दौर में एनिमल के लिए ये कंसेप्ट था कि ना तो उनमें माइंड होता है और ना ही उनमें सोल होती है, उनमें कोई रूह नहीं है, उनमें कोई जहन नहीं है, तो उन पे कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे और वो इंटेलिजेंट भी नहीं समझे जाते थे। तो डार्विन की इस बुक से एक ये पॉइंट ऑफ व्यू मिला उन लोगों को, डार्विन ने उन लोगों को बताया कि एनिमल और ह्यूमन दोनों के मेंटल फंक्शंस एक जैसे हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। जो लोअर एनिमल्स हैं आप उनको इन्फीरियर ना समझें, उनको लेस इंटेलिजेंट मत समझें। लोअर एनिमल्स में भी पेन है, एनिमल में भी पेन है, एनिमल भी प्लेयर फील करते हैं, उनमें भी हैप्पीनेस और सैडनेस का एलिमेंट है। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन में भी हैं और एनिमल में भी हैं। तो ये इसकी वजह से हुआ था कि डार्विन की थ्योरी की वजह से एनिमल साइकोलॉजी पे काम हुआ और एनिमल का बिहेवियर, उनका फंक्शंस, उनका ब्रेन पार्ट्स, उनके माइंड पर भी स्टडी की जाने लग गई थी। तो इस पे काम किया था जॉर्ज जॉन रोमेंस और सी लॉयड मॉर्गन ने एनिमल साइकोलॉजी पे काम किया था। सबसे पहले हम जॉर्ज जॉन रोमेंस पढ़ते हैं। ही पब्लिश्ड अ बुक एनिमल इंटेलिजेंस, और जानवरों में इंटेलिजेंस को देखने के लिए उसने जानवरों पर स्टडी की थी, जिसमें रोमेंस ने कुछ जानवर लिए थे जिसमें आंट, स्पाइडर, रेप्टाइल, फिश, बर्ड्स, एलिफेंट, मॉन्कीज और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी थे, ठीक है, कुछ पेट वगैरह भी लिए। उसका मकसद ये था कि इनमें इंटेलिजेंस को स्टडी किया जाए, इस चीज़ को वाज़ह किया जाए कि एनिमल में भी इंटेलिजेंस होती है, ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स भी इंटेलिजेंट हैं। और उसकी रिज़ल्ट से, उसकी फाइंडिंग से उसने ये कंक्लूड किया कि जानवरों में भी उतनी ही इंटेलिजेंसी का लेवल है जितना कि इंसानों में है।
जिस तरह हम इंसान अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं, इसी तरह जानवर भी करते हैं। जिस तरह हम सोच रहे हैं, इस तरह जानवर भी सोचते हैं। जिस तरह हम आइडिएशन है, रैशनलाइजेशन करते हैं या कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करते हैं, डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करते हैं, तो जानवरों में भी यही कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ये रोमन्स ने स्टडी की थी और इन सब पे उसने ये कंक्लूड किया था। ये बुक लिखी थी एनिमल साइकोलॉजी, ठीक है। उसने कैट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे और ये फाइंड आउट किया था कि कैट्स में ज़्यादा इंटेलिजेंसी होती है, कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ज़्यादा दूसरे जानवरों की निस्बत। कैट्स वर मोर इंटेलिजेंट देन ऑल अदर एनिमल्स। अब हम सी लॉयड मॉर्गन पे आते हैं। मॉर्गन का क्या कंट्रीब्यूशन था? मॉर्गन ने लॉ ऑफ पार्सिमनी इंट्रोड्यूस करवाया था, लॉ ऑफ पार्सिमनी डिवेलप किया था। और ये लॉ ये कहता है कि जानवरों में कोई भी बिहेवियर है, ठीक है, किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए जानवरों को, एनिमल्स को हायर मेंटल फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको हायर मेंटल प्रोसेसेस की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए लोअर मेंटल फंक्शंस ही काफ़ी हैं। हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं ना, थिंकिंग, जजमेंट, मेमोरी। उसके लॉ ऑफ पार्सिमनी में उसने ये बताया था मॉर्गन ने कि जानवरों को थिंकिंग, जजमेंट, मेमोरी और इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है अपने बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए, माहौल में रहने के लिए, अपने माहौल में अडेप्ट होने के लिए। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको सिर्फ एसोसिएशन की ज़रूरत है, कि वो एसोसिएशन के ज़रिए सीखते हैं, वो लर्न करते हैं अपने बिहेवियर को। तो उनमें अपने बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए लोअर मेंटल फंक्शंस, लोअर मेंटल प्रोसेसेस ही काफ़ी हैं उनमें हायर मेंटल फंक्शंस की निस्बत। तो ये लॉ ऑफ पार्सिमनी है। अब हम डिवेलपमेंट ऑफ फंक्शनलिज्म पे आते हैं। इसमें हर्बर्ट स्पेंसर हैं और उनकी थ्योरी है सोशल डार्विनिज्म की। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल डार्विनिज्म पे काम किया था। तो डार्विन की जो थ्योरी थी इवेल्युएशन की, डार्विन की इवेल्युएशन की थ्योरी ने हर्बर्ट स्पेंसर के कंसेप्ट को भी चेंज करके रख दिया था, ठीक है। स्पेंसर का जो अपना परसेप्शन था माहौल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, वो काफ़ी मुतासर हुआ। वो इस तरह से हुआ कि स्पेंसर ने भी सोशल डार्विनिज्म पे काम किया था। स्पेंसर का ये कहना था कि जितनी भी कायनात में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एवोल्यूशनरी हैं। ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स इज़ एवोल्यूशनरी, कि चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की फ्रेज इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसका ये कहना था कि हम सब सर्वाइव करते हैं, और सर्वाइव किस तरह से करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कहना था कि हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है हमारे अपने माहौल पर। अगर हम माहौल में एडजस्टेड हैं, अगर हम माहौल में अडेप्टेड हैं, अगर हम माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं तो हम सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है, हमारा सर्वाइव हो जाता है। अगर हम माहौल में एडजस्टेड नहीं हैं, अगर हम माहौल में अडेप्ट नहीं होते हैं, तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। नाउ कम टू विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ही वॉज एंटीसिपेटर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी। He was the pioneer of functionalism and he was born in Astor House, a New York City. He was interested in chemistry and he earned his medical degree from Harvard University in 1869. और इसके अलावा विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें नेचुरल साइंसेस की बात की गई थी, जिसमें साइकोलॉजी की बात की थी। उसने कॉन्शियस प्रोसेसेस की, कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की, और इसमें मेंटल प्रोसेसेस की बात की थी। अच्छा, अब इसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी क्या है? जेम्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर फिनोमिना है और कंडीशन है। फिनोमिनोलॉजी और कंडीशन है। फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं, और इमीडिएट एक्सपीरियंसेस हैं कि अनबाइस्ड होना और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, और जैसे जिसमें इंट्रोस्पेक्शन ही एक तरह का आ जाता है, तो ये फिनोमिना है, ठीक है। और कंडीशन होती है कि हमारा अपना ब्रेन, हमारी अपनी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी कॉन्शियसनेस, ठीक है। ही बिलीव दैट द फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ टू इनेबल अस टू अडोप्ट टू आवर इन्वायरमेंट। तो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? इसमें साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर फिनोमिना भी है और कंडीशन भी है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन भी है और कंडीशन ह्यूमन का अपना माइंड, और वो माइंड किस तरह से अडेप्ट
कि इंडिविजुअल अपने माहौल में किस तरह से अडेप्ट होता है, वह अपने माहौल में किस तरह से एडजस्ट होता है, ये माइंड का फंक्शन है, ये कॉन्शियसनेस का फंक्शन है, ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी है फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग। फिर मेथड ऑफ स्टडिंग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है। स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोस्पेक्शन थी, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन नहीं है क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्टिव होती है, तो यहाँ पर जो तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो ऑब्जर्वेशन था। द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ इनइक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स, अब इसमें क्या है, जेंडर रोल डिस्क्रिपेंसी थी, जेंडर रोल डिस्क्रिपेंसी और इनइक्वालिटी थी उस वक्त माहौल में, और जो वुमेंस थी फीमेल बहुत इन्फीरियर कंसीडर की जाती थी, वो लेस इंटेलिजेंट समझी जाती थी, जिसकी वजह से, और ये कहा था हैवलॉक एलिस ने इन द लेट 19th century। ठीक है, आदमी ज़्यादा ज़हीन समझे जाते थे और औरतें कमदर और कमज़ोर समझी जाती थीं, इसकी वजह से उनको परमिशन भी नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लें, वो पढ़ाई मुकम्मल करें, और चार्ल्स डार्विन का भी यही कहना था, उन्होंने भी इसको रीइंफोर्स किया था इस कंसेप्ट को। तो उस दौर में लेटा स्टेटर हॉलिंगवर्थ, ये फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी, इन्होंने PhD की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1916 में। तो इसने क्या किया था, किसने बताया था कि मेल और फीमेल में जो बाउंड्रीज़ थी उस वक्त, जो इनइक्वालिटी थी, उसको दूर करने की कोशिश की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्योंकि मेल अपनी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ज़्यादा मतलब सुपीरियर समझे जाते थे और फीमेल इन्फीरियर समझी जाती थी। तो हॉलिंगवर्थ ने क्या किया था, इसने मेल और फीमेल के बेबीज़ लिए थे, मेल फीमेल बेबीज़ लिए थे, और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि देखें बिल्कुल सिमिलैरिटी है इन दोनों में, उनकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम हैं, तो किस बेस पर कह सकते हैं कि मेल ज़्यादा सुपीरियर हैं। और अगर सुपीरियरिटी भी उसने बताया था कि शी डेमोंस्ट्रेटेड दैट देयर वर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, कि इनका कोई फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम नहीं कह सकते कि मेल ज़्यादा सुपीरियर हैं फीमेल से, बल्कि इसमें कुछ हमारे सोशल और कल्चरल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे। सोशल और कल्चरल फैक्टर सेंस में कि जैसे आप देखें कि मेल जो है वो ज़्यादा वजनी काम करते हैं, फीमेल इतना वजनी काम नहीं करती हैं, और जितने भी जो घरेलू काम होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल कर रही होती हैं, फीमेल का मदर का रोल ज़्यादा होता है, और बाहर वाले जितने भी काम होते हैं घर से बाहर वाले वो मेल ज़्यादा इस तरह के काम परफॉर्म करते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जो ये कह सकते हैं कि उनमें डिफरेंस हैं, जो उस वक्त बात हो रही थी कि मेल इंटेलिजेंट होते हैं फीमेल इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, इस चीज़ को दूर करने के लिए लेटा स्टेटर हॉलिंगवर्थ ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनको एक दूसरे से। उसके बाद मैरी वाइटन कॉलकिंस, ये दूसरी फीमेल थी, और इन्होंने भी अपनी इस दौर में स्टडी कंप्लीट की थी, और इन्होंने पेयर्ड एसोसिएशन टेक्निक डेवलप की थी। ठीक है, पेयर्ड एसोसिएशन टेक्निक जो कि मेमोरी को असेस करने के लिए थी, पेयर्ड एसोसिएशन जैसे जो वर्ड एसोसिएशन है ना, कि एक वर्ड को आप एसोसिएट करें दूसरे वर्ड के साथ, तो ये वो थी, और ये मेमोरी में यूज़ हो रही थी, और शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब हम ग्रैनविल स्टेनले हॉल का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया था फंक्शनलिज्म में। ही वॉज बोर्न स्टूडेंट एट लाइप्ज़िग, ही रिसीव द फर्स्ट अमेरिकन डॉक्टरल डिग्री इन साइकोलॉजी। ठीक है, बोर्न के स्टूडेंट थे, इन्होंने सबसे पहले अपनी PhD कंप्लीट की थी साइकोलॉजी में उस दौरान, बोर्न के दौर में, और ये सबसे पहले अमेरिकन स्टूडेंट थे साइकोलॉजी लैब में। उन्होंने जो लाइब्रेरी लेबॉरेटरी बनाई थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से, ये उसके सबसे पहले स्टूडेंट थे, और ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे APA के, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ही वाज़ द फाउंडर ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी। तो ग्रैनविल स्टेनले हॉल ने ही सबसे पहले एडोलेसेंट साइकोलॉजी पे काम किया था, और उसका सबसे बड़ा काम उस वक्त ये इंसाइक्लोपीडिया था, इस ये एडोलेसेंस के नाम से ये इंसाइक्लोपीडिया, इस पर काम किया था। और चाइल्ड साइकोलॉजी पे अगर हम देखें तो चाइल्ड साइकोलॉजी पे सबसे पहले हॉल ने ही काम किया था, और हॉल ने ये बताया था कि 14 से 24 के दरमियान में एक एज रेंज होती है, यानी कि 14 से 24 के जो एज रेंज है, इस पीरियड को उसने नाम दिया था स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का।
कि ये वो दौर होता है जिसमें इंटेंस फीलिंग्स होती हैं एम्बिशियस के फर्द में, बहुत सी एम्बिशियस भी होते हैं, वो एम भी अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत एम्बिशियस होता है, लेकिन रिबेलियन भी होता है, वो सरकश भी होता है, वो बगावत भी कर सकता है इस दौर में। इसके बाद आते हैं शिकागो स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म पर। इसमें दो इंडिविजुअल्स थे जिनका रोल था, जॉन डेवी और जेम्स रोलैंड एंजल। जॉन डेवी ने रिफ्लेक्स आर्क पर काम किया था। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो बहुत सडन और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ जब टच होता है तो फ़ौरन से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। ब्रेन तक पैगाम पहुंचने से पहले ही हम अपना हाथ पीछे कर चुके होते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है, अगर हमें नहीं पता है तो हम रिफ्लेक्स एक्शन होगा। अगर हमें पता है कि सामने आग है या कैंडल की फ्लेम है और इस पर हमने हाथ रखना है तो तब रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली होता है और हमें इसका आइडिया नहीं होता। तो रिफ्लेक्स आर्क ये एक पाथवे है जिसमें, ये रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथवे से गुजर कर जा रहा होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और इस पर काम किया था डेवी ने। और इसके बाद एंजल ने बुक पब्लिश की थी द प्रूविंस ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी। इस बुक का मेजर थीम साइकोलॉजी था और फंक्शनल साइकोलॉजी था, कि फंक्शनल साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। इसमें उसने मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बताया, थिंकिंग के बारे में, लर्निंग के बारे में। इसमें बताया कि किस तरह कॉन्शियसनेस का जो फंडामेंटल यूटिलिटीज़ क्या हैं फंक्शनलिज्म की, इसमें बताई थी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें साइकोफिज़िकल रिलेशनशिप का भी जिक्र किया गया है। साइकोफिज़िकल रिलेशनशिप यानी कि जो माइंड बॉडी का आपस में रिलेशनशिप होता है, माइंड और बॉडी में इसने कहा कि कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिज्म था और ये फंक्शनलिज्म की डेवलपमेंट थी। फंक्शनलिज्म का क्रिटिसिज्म क्या था, इसको क्रिटिसाइज़ किया था टिचनर ने और वोंट ने। उन्होंने कहा था कि ये साइकोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ लिटरेचर है, ठीक है। इट इज़ ब्यूटीफुल बट इट इज़ नॉट साइकोलॉजी। कंट्रीब्यूशन देखते हैं, इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। फंक्शनलिज्म का इम्पैक्ट यूनाइटेड स्टेट में हुआ इस तरह से था कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स में साइकोलॉजी की कोई डिवेलपमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई बिगनिंग नहीं थी, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म का भी कोई इम्पैक्ट नहीं था, स्ट्रक्चरलिज्म ने भी कोई इम्प्रेशन नहीं जमाया था। तो यहाँ पर फंक्शनलिज्म ने किया, फंक्शनलिज्म हैड एन इम्पैक्ट ऑन द डिवेलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। साइकोलॉजी को डिवेलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में भी। और इसके बाद सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि एनिमल बिहेवियर को स्टडी किया जाने लगा। पहले एनिमल बिहेवियर पर को एनिमल बिहेवियर एनिमल माइंड और एनिमल कॉन्शियसनेस को बिल्कुल स्टडी नहीं किया जाता था, बल्कि एनिमल को इंटेलिजेंट ही नहीं समझा जाता था, उनको इन्फीरियर समझा जाता था। और स्ट्रक्चरलिज्म ने भी इस पे बिल्कुल बात नहीं की थी। तो फंक्शनलिज्म ने एनिमल को स्टडी किया, एनिमल्स पे काफ़ी काम हुए जिसमें मॉर्गन ने काम किया है, ठीक है। तो इनको भी इंटेलिजेंट समझा जाने लगा, इन पर काफ़ी टेस्ट बनाए गए, उन पर स्टडी की जाने लगी। द फंक्शनलिस्ट ब्रॉडली बेस्ड साइकोलॉजी आल्सो इनकॉर्पोरेटेड स्टडीज ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन एंड पीपल विद मेंटल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। बच्चों पर और जो कुछ मेंटल डिसेबल इंडिविजुअल थे उन पर भी काम किया जाने लगा। और इसके अलावा जो लास्ट इनका कॉन्ट्रीब्यूशन वो ये था कि बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने के लिए कुछ मेंटल टेस्ट बनाए गए। मेंटल टेस्ट का कंसेप्ट दिया था गाल्टन ने, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चनियर और मेंटल टेस्ट बनाए गए थे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी एक बनाया गया था इसमें फंक्शनलिज्म में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस था फंक्शनलिज्म का। तो ठीक है, हमने आज फंक्शनलिज्म पढ़ा, और इसके साथ साथ ये भी पढ़ा कि कितने फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया था और हर फिलोसफर का कितना कंट्रीब्यूशन था। विलियम जेम्स इसके एंटिसिपेटर हैं फंक्शनल साइकोलॉजी के, विलियम जेम्स फाउंडर हैं फंक्शनलिज्म के। और गाल्टन का क्या क्या रोल वो हमने पढ़ा कि गाल्टन ने किस किस चीज़ों पर काम किया। गाल्टन ने मेंटल टेस्ट की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, गाल्टन ने कुछ फिंगरप्रिंट्स और कुछ मैंने चीज़ें बताई थी कि उन पर काम किया, जिनमें ये थे कि टेलोटाइप प्रिंटर थे, पिकिंग लॉक की एक डिवाइस थी, फिंगरप्रिंट्स थे, और जो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, स्टैटिस्टिक्स था। और इसके अलावा गाल्टन ने काम किया था हेरिडिटी जीनियस पर, मेंटल इनहेरिटेंस पर, ठीक है।
इसके अलावा गाल्टन का एक और कॉन्ट्रीब्यूशन था जो शायद मैंने मिस कर दिया है कि गाल्टन ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे भी काम किया था। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में उसने बताया था कि उसने रिएक्शन टाइम पे काम किया, उसने 75 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाई थी और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे रिएक्शन टाइम को देखने के लिए, ठीक है, सॉरी एसोसिएशन को देखने के लिए, और रिएक्शन टाइम पर उसने उसको जज किया था कि क्या एसोसिएशन है। और इसके अलावा हमने इसमें एनिमल साइकोलॉजी पर, यह एनिमल साइकोलॉजी में जॉर्ज जॉन रोमेंस और सी लॉयल्ड मॉर्गन का काम था, और मॉर्गन ने पार्सिमनी का भी लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। फिर हमने फंक्शनलिज्म जो डेवलपमेंट थी फंक्शनलिज्म की, उसमें हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ा, और उनकी जो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी थी वो पढ़ी, विलियम जेम्स को पढ़ा, और इसमें इन इक्वालिटी और जेंडर रोल डिस्क्रिपेंसीज वगैरह जो भी थी ना वो भी पढ़ी थी, जिसमें मैरी वाइटन कॉलकिंस और लेटर स्टेटर होलिंगवर्थ, ये दो फीमेल्स इनका भी मैंने जिक्र किया है। और फिर मैंने हॉल का कंट्रीब्यूशन बताया, फिर मैंने शिकागो स्कूल की बात की कि जॉन डेवी और जेम्स रोलैंड एंजल का इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हमने क्रिटिसिज्म और कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया।